वन ईयर कैलीपर क्या होता है स्टूडेंट्स वन ईयर कैलीपर बिल्कुल आ, ये एक ऐसा डिवाइस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम स्माल लेंथ ठीक है स्मॉल लेंथ 0.01 पॉइंट जीरो तक क्या आ, जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ फाइंड कर सकते हैं इवन कि इतनी स्माल लेंथ फाइंड कर सकते हैं ओके तो इस पर रीडिंग लेने से पहले स्टूडेंट्स हम थोड़ी सी इसकी कंस्ट्रक्शन जो है अगेन ले, डिस्कस कर लेते हैं देन फिर हम इसकी रीडिंग लेना सीखेंगे स्टूडेंट्स जो वन कैली होता है ये दो तरह के जास पे मुश्तमिल होता है फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास इसके जास होते हैं दीज आर दी एक्सटर्नल जास एंड दीज आर दी इंटरनल जास स्टूडेंट्स किसी भी ऑब्जेक्ट का जब आप डायमीटर फाइंड करते हैं तो टाइम आपको जैसे अगर ये डकना आप ले लें इसका अगर आपको इंटरनल डायमीटर फाइंड करना है तो इसके लिए आप क्या यूज करते हैं इंटरनल जास का इस्तेमाल करते हैं इंटरनल जास को आप खोलते हैं लाइक दैट और इंटरनली इसके बीच में इंसर्ट करते हैं लाइक दैट ये जो आपके सामने नजर आ रहा है ये आपको क्या कर देता है इस कैप की ठीक है जो बॉटल का कैप है ये इसके इंटरनल डायमीटर बता देगा वन ईयर कैलिपर तो तय यह हुआ कि जो अपर जाज होते हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट के इंटरनल डायमीटर को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं अब सवाल ये पैदा होता है कि एक्सटर्नल डायमीटर कैसे फाइंड किया जाए जैसा कि मेरे पास अगर ये सैलिड सिलेंडर है मुझे इसका एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड करना है ठीक है डिशवन सो अगर मुझे इसका एक्सटर्नल तो ये रहे मेरे पास एक्सटर्नल जाज एक्सटर्नल जाज यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एक्सटर्नल डायमीटर ठीक है एक्सटर्नल लेंथ या एक्सटर्नल डाय फाइंड करने के लिए हम इसको ऐसे इंसर्ट करते हैं इंटरनल जास में एंड वी कैन इजिली फाइंड दी एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ दिस सॉलिड सिलेंडर ओके स्टूडेंट्स सो एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड करने के लिए एक्सटर्नल जास का इस्तेमाल करते हैं इंटरनल डायमीटर को फाइंड आउट करने के लिए इंटरनल जास का इस्तेमाल करते हैं ओके okay, स्टूडेंट्स इसके बाद आते हैं हम स्केल के ऊपर स्टूडेंट वर्नियर कैलिपर को अगर गौर से देखें तो इसके दो तरह की स्केलिंग होती है इसको कहते हैं मेन स्केल दिस वन इज द मेन स्केल दिस वन मेन स्केल स्टूडेंट फिक्स होता है देखा जा सकता है और इसके साथ एक दूसरा स्केल होता है जिसको कहते हैं वर्नियर स्केल जो मेन स्केल के ऊपर स्लाइड करता है लुक एट दैट ये देखें मेन स्केल के ऊपर स्लाइड कर रहा है ये ठीक है सो इसको कहते हैं वर्नियर स्केल ओके दिस वन इज वर्नियर स्केल एंड दिस वन इज द मेन स्केल स्टूडेंट बेशक वो मेन स्केल हो या वर्नियर स्केल हो दोनों के ऊपर जो स्केलिंग हुई होती है वो आपके पास जो रीडिंग हम लेते हैं वो मिलीमीटर में लेते हैं आपने याद रखना है वन ईयर कैलिपर से हमेशा रीडिंग किस में लेनी है मिलीमीटर में लेनी है जैसा कि स्केल में देखा गया था कि यहाँ पे जीरो से वन सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर थ्री सेंटीमीटर और हर एक सेंटीमीटर को टेन एम एम में डिवाइड किया गया हर जीरो से वन के दरमियान टेन एम mm एम है वन से टू के दरमियान टेन एम mm एम है टू से थ्री के दरमियान टेन एम mm एम है ठीक mm है।, है तो आपके पास सेंटीमीटर टेन एम एम में डिवाइड किया गया क्लियर और अगर आप एक एम एम को ओपन करें एक एम एम को जैसा कि ये है जीरो के बाद जो पहली छोटी लाइन आपको नजर आ रही है मैं थोड़ा सा और करीब करता हूं स्टूडेंट ये जो पहली छोटी लाइन है ये वाली इसको अगर आप इस छोटी लाइन को भी अगर आप बीस हिस्सों में डिवाइड करें इस छोटी लाइन को तो आपके पास वर्नियर स्केल की स्केलिंग बनती है ठीक है ये इस छोटी लाइन को मेन स्केल की एक छोटी लाइन को अगर आप 20 हिस्सों में डिवाइड करें तो आपके पास वन ईयर स्केल की स्केलिंग बनती है बिकॉज अगर आप वन बाई ट्वेंटी करते हैं ठीक है वन बाई ट्वेंटी करते हैं तो ये जो वन ईयर कैलीपर आपके सामने आपको नजर आ रहा है इसका लिस्ट काउंट आ जाएगा ठीक है इसका लिस्ट काउंट आ जाएगा मैं फिर रिपीट करता हूँ कि ये इतनी छोटी लेंथ की भी एक प्रेसाइज रीडिंग ले सकता है कि अगर आप वन एम एम ठीक है जीरो के बाद जो वन एम एम आ रहा है ये एक छोट ये ये जो लाइन आ रही है इसके भी अगर आप बीस हिस्से करें तो ये वन ईयर स्केल की स्केलिंग बनती है ठीक है इसको बीस हिस्सों में डिवाइड किया गया है लेकिन जीरो वन टू थ्री फोर ये बीस हिस्से बनते हैं ठीक है अगर आप गिने तो दीज आर द्वेंटी पार्ट्स ऑफ ओनली वन एम एम ऑन दी, दी मेन स्केल ओके okay, स्टूडेंट्स फिर लास्ट चीज गई दिस वन ये एक ब्लेड होता है ठीक है इसको किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है मैंने इस कैप का जब इंटरनल डायमीटर फाइंड करना था तो मैंने क्या किया इसके लिए इंटरनल जास का इस्तेमाल किया इनका ठीक है लेकिन अगर मुझे इसकी डिप्थ पता करनी है स्टूडेंट इस, इस कैप की डिप्थ पता करनी है तो ऐसे में क्या करते हैं हम हम इस ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं इसको खोलते हैं ऐसे ठीक है और ऐसे कैप जितनी आ, आ, इस कैप की सरफेस होगी उतना इसको ओपन करेंगे लाइक दैट ये यहाँ पे फिक्स कर देंगे ठीक है ये इतना फिक्स कर देंगे एंड वी कैन इजीली फाइंड और जहाँ पे इस ब्लेड का जो नोक है वो इसके बॉटम के साथ टच होती है ऐसे और वहाँ पे हम क्या कर लेते हैं फिर ऐसे मेन स्केल और आ, वन ईयर स्केल सी रीडिंग लेके इसकी डेप्थ पता कर सकते हैं तो ये थर्ड एक फंक्शनिंग है वन ईयर कैलिपर में ये ब्लेड यूज होता है इंटरनल डेप्थ फाइंड करने के लिए ओके okay, स्टूडेंट्स और ये जो नज़र आ रहा है आपको ये होता है स्क्रू स्क्रू लॉक इसको कहते हैं इन्हें आपने अगर ऑब्जेक्ट को सपोज किया यहाँ फिक्स कर दिया ठीक है तो आप स्क्रू को क्लाक एंटी क्लाक घुमाते हैं एंटी क्लाक फिर इसको अपने पोजिशन से हिलने नहीं देता यहाँ से अब ये लॉक हो चुके हैं इंटरनल जहाज एक्सटर्नल जा दोनों लॉक हो चुके हैं ये अपनी जगह से हिलेंगे नहीं ठीक है इस डैट्स वाई हम इसको जब इसके दरमियान ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं इंटरनल में एक्सटर्नल में तो हम यहाँ से उसको लॉक कर देते हैं ताकि एक एकट रीडिंग आ सके ठीक है स्टूडेंट्स अब रीडिंग uh, uh, पे जाने से पहले हम इसके लीस्ट काउंट की बात कर लेते हैं कि जो वर्नियर कैलिपर आपके सामने है स्टूडेंट्स इसका लीस्ट काउंट क्या है लीस्ट काउंट ओके सो वट इज द लीस्ट काउंट ऑफ दैट वन कैलिपन सो लीस्ट काउंट मैं आपको रिवाइज करवा दू ये आपके पास एक मीटर रूल है ठीक है मीटर रूल। और हमने कहा था लीस्ट काउंट वो कम से कम मेजरमेंट है जो कोई भी डिवाइस ले सकता है ठीक है और एकट एक और प्रिसाइज रीडिंग दे सकता है कम से कम पैमाइश ठीक है अब देखें यहाँ से ये लिखा हुआ है सेंटीमीटर ये लिखा हुआ है सेंटीमीटर वन से टू सेंटीमीटर के दरमियान टेन एम एम लाइन्स है वन से टू सेंटीमीटर के अंदर टेन एम एम लाइन्स है देखा जा सकता है वन एम एम टू एम एम थ्री एम एम फोर एम एम फाइव एम एम सिक्स एम एम सेवन एम एम एट एम एम नाइन एम एम फिर उसके बाद टू सेंटीमीटर इसी तरह टू और थ्री के दरमियान में भी टेन एम एम तो आप अगर वन आप अगर सबसे छोटी लाइन देखें इस इस फाइव एम mm से भी छोटी लाइन देखें तो एक कौन सी बनती है वन एम एम बनती है ठीक है जीरो वन के बाद वन सेंटीमीटर और टू सेंटीमीटर के जो सबसे कम पैमाइश ली जा सकती है वो वन mm तो एम ली जा सकती है इसी तरह टू और थ्री के दरमियान भी सबसे कम पैमाइज क्या ली जा सकती है वन एम एम तो वन एम एम इस ये मीटर रूल का ये लीस्ट काउंट बन गया ठीक है ये कम से कम पैमाइश लेंथ किन ऑब्जेक्ट्स की फाइंड कर सकता है जो वन एम mm हो जो अपू वन एम एम हो उसके लिए आप फिर इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते ठीक है इससे उसका लेंथ फाइंड आउट नहीं कर सकते इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आप बात करें आप लीस्ट काउंट की ठीक है वन ईयर कैलिपर के लीस्ट काउंट की तो यहां देखा जा सकता है कि मेन स्केल जो है स्टूडेंट्स मेन स्केल जीरो से वन जीरो से वन के दरमियान जो है स्केलिंग देखें कितने सेंटीमीटर हैं जीरो से वन सेंटीमीटर के अंदर टेन एम है ठीक mm है टेन एम है वन एम एम टू एम एम थ्री एम एम फोर एम एम फाइव एम एम सिक्स एम एम सेवन एम एम एट नाइन फिर वन सेंटीमीटर फिर टू सेंटीमीटर यानी मेन स्केल का भी जो है जो सबसे कम है वो क्या है सबसे कम वन एम एम है ठीक है सबसे कम ठीक है तो हमने कहा कि इस वन एम एम के भी हमने बीस हिस्से किए हैं सबसे वन एम एम की भी अगर आप ट्वेंटी पार्ट्स करें तो यहाँ पे आपके पास क्या बनता है इसका काउंट uh, बनता है स्टूडेंट कैसे लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है तो स्टूडेंट लीस्ट काउंट का क्या फॉर्मूला है on हमने कहा कि जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है मेन स्केल के ऊपर वो क्या है वन एम एम ठीक है यानी इस जीरो के बाद जो ये छोटी लाइन आपको नजर आ रही है ना उसके भी अगर बीस ऐसे करें तो वन ईयर स्केल की स्केलिंग बनती है ठीक है इसकी स्केलिंग बनती है तो स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है वो मेन स्केल के ऊपर क्या है वन एम एम ओके और अगर आप वन ईयर स्केल की बात करें ठीक है नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वन ईयर स्केल के ऊपर चेक करें ठीक है तो ये देखें कितनी आपके पास डिविजन बनती हैं जीरो से टेन लाइन्स हैं यहाँ पे उसके उसको भी जो है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन 17, एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी तो नंबर ऑफ डिवीजन वर्दी स्केल्स के कितनी है ट्वेंटी है ओके okay. तो स्टूडेंट वन बाई ट्वेंटी आंसर वेल जीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव एम जो कि इस वन ईयर कैलीपर का लीस्ट काउंट है और अगर आपके पास हंड्रेड uh, डिविजन्स होंगी या फिफ्टी डिविजन्स होंगी तो आप मेन स्केल की जो स्मालेस्ट डिवीजन है ठीक है और नंबर ऑफ़ डिविजन जो होंगी वन ईयर स्केल के ऊपर उस पर डिवाइड कर देंगे आपको उस वन ईयर कैलीपर का लीस्ट काउंट पता लग जाएगा सो स्टूडेंट लिस्ट फाइंड करने के बाद सबसे पहला स्टेप जो है वो क्या है जीरो कुरेक्शन आपने वन ईयर कैरिपर को चेक करना है कि आदर उसमें किसी तरह की ज़ीरो कुरेक्शन है या फिर नहीं ठीक है उसको चेक करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं हम कि दोनों जहाज को कंटेक्ट में रखते हैं आपके जो एक्सटर्नल जाज है वो भी और इंटरनल जाज दोनों के दोनों को ऐसे कंटेक्ट में रखा जाता है कंप्लीटली और याद रहे जीरो कुरेक्शन फाइंड करने के लिए इन दोनों के बीच में दोनों के बीच में फासला नहीं होना चाहिए ठीक है दिस शुड बी इन विद अदर क्लियर सो दिस वन इज दिस इज नाउन जीरो कुरेक्शन अगर तो मेन स्केल का जीरो ठीक है ये मेन स्केल का जीरो वन ईयर स्केल के जीरो के साथ कंप्लीटली कंसाइड करता है ठीक है कंप्लीटली कंसाइड करता है तो उसमें किसी किस्म का जीरो एरर नहीं होता अगर वन ईयर स्केल का जीरो जो है वो मेन स्केल के ज़ीरो से राइट साइड पर लाई करे तो उसमें पॉजिटिव जीरो एरर होता है ठीक है जो कि मेरे पास इस टाइम वन ईयर कैलिपर है उसमें किसी किस्म का जीरो एरर नहीं है अगर ये राइट साइड पे होता तो पॉजिटिव जीरो एरर होता तो रिजल्ट में से अपने पॉजिटिव जीरो एरर को माइनस करना होता है ठीक हो गया स्टूडेंट्स और इसी तरीके से यहाँ पे अगर आपके पास ये वन ईयर स्केल का ज़ीरो जो है वो मेन स्केल के जीरो से लेफ्ट साइड पे लाई करता है तो ऐसे एरर को नेगेटिव जीरो रख के लाता है और आपके पास जो रिजल्ट आता है ठीक है नेगेटिव जीरो का वो आप उस रिजल्ट में क्या करते हैं प्लस करते हैं ठीक है क्योंकि उसमें नेगेटिव रीडिंग होती है वो आपको रिज़ल्ट में प्लस करनी होती है ऐड करनी होती है तो और पॉजिटिव रीडिंग जो है या पॉजिटिव एरर जो है वो आपको रिजल्ट में से माइनस करना होता है क्लियर तो आइए स्टूडेंट आप फाइनली रीडिंग लेते हैं ठीक है सबसे पहले मैं सॉलिड सिलेंडर uh, जो है इसकी रीडिंग ले लेते हैं आप uh, इस स्क्रू uh, को खोलेंगे क्लाक ठीक है एंड ये होता है स्लाइड करवाता है ठीक है थम रखने की जगह होती है आप इसको फिक्स करें ऐसे ठीक है लाइक दैट और इस पर मैक्सिमम लिमिट तक फोर्स लगाएं ताकि जाज uh, जो है ये सिलेंडर इन जाज में ग्रिप सही तरह पकड़ सके ठीक है सो so, सबसे पहले स्टूडेंट्स uh, हम मेन स्केल की रीडिंग लेते हैं अगेन इसको मैं चेक कर लेता हूँ ओके लाइक दैट ओके okay, ऐसे करके आप इसको ग्रिप देते हैं अब क्या है कि स्टूडेंट्स हमारे पास सबसे पहले हमें काउंट करना होता है मेन स्केल की रीडिंग होती है लेनी होती है एंड देन हम वर्नियर स्केल की रीडिंग लेते हैं अब आपने ये देखना है कि मेन स्केल की कितनी लाइन जी, जीरो के वर्नियर स्केल से पहले आती है वर्नियर स्केल का ज़ीरो जो है जहाँ से शुरू होता है उससे पहले मेन स्केल की कितनी लाइन्स हैं ठीक है तो देखा जा सकता है स्टूडेंट जीरो ये रहा ठीक है वन से पहले पहले जीरो है ठीक है तो आपके पास मेन की रीडिंग क्या होगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन एम एम सो आपके पास जो मेन स्केल की रीडिंग है ठीक है मेन स्केल रीडिंग मेन स्केल रीडिंग कितनी है दैट इज अबाउट नाइन एम एम मैं फिर रिपीट करता हूं स्टूडेंट्स आपने सबसे पहले ये देखना होता है कि वन ईयर स्केल के जीरो से मेन स्केल की कितनी लाइंस पहले आती हैं वो लाइंस काउंट करेंगे आप तो वो क्या होगी मेन स्केल की रीडिंग होगी ठीक है जैसे देखिए ये आपके पास ज़ीरो है वन ईयर स्केल का मेन स्केल की लाइंस मैंने काउंट की तो वो नाइन लाइंस बनती है तो मेन स्केल की रीडिंग क्या हुई नाइन एम एम आइए स्टूडेंट्स अब हम लेते हैं वन ईयर स्केल की रीडिंग वन स्केल की रीडिंग जो है वो हम आ, आप देखें ये जो ज़ीरो से पहले लाइंस आती है ज़ीरो और वन के दरमियान जो गैप आता है ठीक है ये जो गैप आता है ज़ीरो और वन उसको मैर करने के लिए हम क्या करते हैं हम ये देखेंगे कि अब वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल के साथ कंसाइड कर रही है वर्नियर स्केल की जो सी लाइन मेन स्केल के साथ कंसाइड करेगी यहां से आप लेफ्ट साइड से राइट की तरफ देखेंगे आप एक एक लाइन को जो कंप्लीटली सिंक करेगी मेन स्केल के साथ वो क्या होगी वो आपके पास एग्जैक्ट हमारी रीडिंग होगी ओके सो एट दैट यहाँ देखा जा सकता है जो सिक्स है वो कंसाइड नहीं कर रही सेवन वाली लाइन जो है स्टूडेंट सेवन वाली वन ईयर स्केल की जो सेवन लाइन है वो मेन स्केल के साथ कंप्लीटली कंसाइड कर रही है लुक एट दैट वन ईयर स्केल की लाइन सेवन मेन स्केल की इस लाइन के साथ कंसाइड कर रही है ठीक है सिंक कर रही है तो हम लेने लगे हैं वन ईयर स्केल रीडिंग वन ईयर स्केल रीडिंग वन ईयर स्केल रीडिंग के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं जो लाइन सिंग करती है उसके साथ ठीक है जो लाइन सिंग करती है तो अब आप लाइन्स को काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन जीरो को आपने काउंट नहीं करना तो आपके पास क्या आ गया फोर्टीन ठीक है जीरो और सेवन को अपने साथ इंक्लूड करना है ठीक है जो लाइन सिंक करती है उसको शामिल करते हैं और जीरो को काउंट नहीं करते तो मेरे हिसाब से वन ईयर स्केल्स की फिफ्टीन लाइन्स बनती है ठीक है फिफ्टीन सॉरी 14 नाट फिफ्टीन uh, 14 लाइन्स बनती है स्टूडेंट्स और फोर्टीन को आपने क्या करना है फोर्टीन को आपने लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है जीरो पॉइंट जीरो फाइव एम एम ओके सो आपके पास जो रीडिंग आ जाएगी वन ईयर स्केल की वन ईयर स्केल आपके पास आ जाएगा जीरो पॉइंट सेवन एम एम ये रही आपके पास वन ईयर स्केल रीडिंग मेन स्केल की हमने ले ली ठीक है जो कि नाइन एम एम थी वन ईयर स्केल की रीडिंग करने से पहले जो लाइन सिंक करेगी आपने सेवन को मिला के ठीक है उस लाइन जो लाइन सिंक करेगी उसको मिला के आ, साथ आपने काउंट करनी है ठीक है तो आपके पास फोर्टीन लाइन्स आई है उसको आपने लीस्ट काउंट से ठीक है ये जो लीस्ट काउंट है ठीक है ये जो आपको नज़र आ रहा है इसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है जब भी वन ईयर स्केल की जो लाइन सिंक करेगी उसको अपने लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना है मल्टीप्लाई करने के बाद अब आप क्या करोगे मेन स्केल की रीडिंग को वन ईयर स्केल की रीडिंग के साथ ऐड करोगे ठीक है ठीक है टोटल रीडिंग किसके बराबर होती है टोटल रीडिंग मेन स्केल रीडिंग एम फॉर मेन एस फॉर स्केल रीडिंग प्लस वी फॉर वन ईयर एच फॉर स्केल आर फॉर रीडिंग मेन स्केल रीडिंग प्लस वन ईयर स्केल रीडिंग को आप सम करोगे ठीक है एंड इसको सम करने करने के बाद आपके पास टोटल रीडिंग आ जाएगी यानी कि नाइन एम एम प्लस जीरो पॉइंट सेवन एम एम यू विल गेट द फाइनल डायमीटर ऑफ दिस सिलेंडर नाइन पॉइंट सेवन एम एम ठीक है सो so, इस रीडिंग को गेट करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि इस सिलेंडर का स्टूडेंट्स जो डायमीटर है ठीक है एक्सटर्नल डायमीटर है दैट इज अबाउट 9.7 पॉइंट सेवन क्लियर आइए स्टूडेंट्स हम एक सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हमारे पास एक सॉलिड बोब है उसका हमने डायमीटर फाइंड करना है ठीक है इससे पहले हमने एक सॉलिड सिलेंडर का डायमीटर फाइंड किया ठीक है और अब हम सेकेंड एग्जाम्पल के तौर पे एक सॉलिड बोब जो आपके सामने नजर आ रहा है इसका डायमीटर फाइंड करते हैं एक्सटर्नल जहाज में हमने इसको ग्रिप किया हुआ है चूंकि हमने इसका एक्सटर्नल डाफ फाइंड करना है दैट्स वाई हम एक्सटर्नल जास का इस्तेमाल करेंगे सो so यहाँ पर स्टूडेंट देखा जा सकता है सबसे पहले मैंने किसकी रीडिंग लेनी है मेन स्केल की रीडिंग लेनी है मेन स्केल की रीडिंग लेने का सबसे पहला असूल यह है कि हम ये देखते हैं कि वन ईयर स्केल के जीरो से पहले मेन स्केल की कितनी लाइन्स आती हैं उसको हमें काउंट करना होता है मैं फिर रिपीट करता हूँ मेन स्केल की रेडिंग लेने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आपके पास वन ईयर स्केल का ज़ीरो है जो कि ये रहा आपके सामने ये देखिए ये रहा दिए मेन स्केल ये वन ईयर स्केल का ज़ीरो इससे पहले आपने वन ईयर स्केल की लाइन काउंट करनी होती है तो मैं अगर लाइन्स काउंट करूँ तो आपके पास यहाँ तक टेन एम एम बनता है एलेवन एम एम ट्वेल्व एम एम थर्टीन एम एम फिफ्टीन एम स्टूडेंट यहां पर बन रहा है मेरे पास जीरो से पहले क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी लाइन आ रही है जीरो से पहले एक बड़ी लाइन आ रही है टोटल ये 15 mm का स्केल uh, की रीडिंग आती है तो हम यहाँ पे नोट uh, कर लेते हैं ठीक है मेन स्केल की रीडिंग आपके पास क्या आई है फिफ्टीन एम एम फिफ्टीन एम एम आप फिर ऑब्जर्व करें यहाँ पे स्टूडेंट uh, हमारे पास वन uh, है ठीक है तो जीरो से वन के दरमियान कितनी लाइन्स हैं टेन एम एम लाइन्स हैं और ये वन जो है बिल्कुल आप ये जो जीरो है आपके पास ये बिल्कुल 15 एम mm, के बाद आया है ठीक है 15 और 16 एम mm के दरमियान में लाई कर रहा है दैट हमने मेन स्केल की रीडिंग क्या ले ली है 15 एम mm, ठीक है ये मेन स्केल की रीडिंग है आइए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं वन ईयर स्केल की रीडिंग की वन ईयर स्केल की रीडिंग लेने का सबसे पहला स्टेप क्या है स्टूडेंट्स आप ये देखते हैं कि वन ईयर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल को के साथ सिंग कर रही है मेन स्केल के साथ कंप्लीटली कंसाइड कर रही है ठीक है हमें यह देखना होता है सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखा जा सकता है कि जो वन ईयर स्केल की रीडिंग लेने के लिए अगर आप यहाँ से देखें लेफ्ट से राइट की तरफ देखें तो मुझे नज़र आ रहा है कि सेवन और एट के बीच की जो लाइन है ठीक है सेवन और एट के जो सेंटर में लाइन है वो सिंक कर रही है मेन स्केल के साथ ठीक है सेवन और एट ये देखिए ये लाइन जो है ये कंप्लीटली सिंक कर रही है देखिए ये वाली ये ये सिंक कर रही है मेन स्केल के साथ ठीक है सो जो कि हमारे पास कौन सी बनती है सेवन फिफ्टीन फिफ्टीन पंद्रहवीं लाइन बनती है ठीक है यहाँ से अगर आप काउंटिंग शुरू करें यहाँ से काउंटिंग शुरू करें तो पंद्रहवीं लाइन जो है ये मेन स्केल के साथ कंप्लीटली सिंक कर रही है ठीक है तो आपने वन ईयर स्केल की रीडिंग का मैंने क्या तरीका सिखाया था कि जो आपके पास लाइन सिंह करेगी ठीक है उसको आप मेन स्केल रीडिंग के साथ क्या करेंगे उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे सो so हमें क्या करना है स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपके पास वन ईयर स्केल रीडिंग है जो कि मेरे पास आ चुके हैं फिफ्टीन एम एम ठीक है उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे जीरो पॉइंट जीरो फाइव जो कि इस वन ईयर का लिस्ट काउंट है देन यू विल गेट जीरो पॉइंट सेवन फाइव एम एम क्लियर नाउ यू अब हमें टोटल डायमीटर uh, फाइंड करना है इस बॉब का तो उसका क्या तरीका कार है मेन स्केल रीडिंग को सम करना है वन ईयर स्के रीडिंग में सो लेट्स गेट द सम मेन स्केल है आपके पास फिफ्टीन एम एम की रीडिंग है 0.75 पॉइंट सेवन यू विल गेट द डाई ऑफ दिस सॉलिड देन दैट इज़ 15.75 एम ओके स्टूडेंट्स सो ये थे आपके पास टू एग्जांपल्स प्रैक्टिकली जिसमें आपने देखा कि हमने कैसे uh, एक uh, वन ईयर कैलिपर जैसे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके हमने डायमीटर फाइंड किए तो ये जो सॉलिड बोब है ठीक है इसका जो आपके पास एक्सटर्नल डाय है ठीक है ये है फिफ्टीन पॉइंट सेवन फाइव एम होपुल स्टूडेंट्स आपने इस लेक्चर को अच्छे से इन्जॉय किया होगा इन केस अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमेशा की तरह फिजिक्स को एंजॉय करते रहिए बिकॉज फिजिक्स इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बोस्ट योर माइंड अराउंड द वर्ल्ड मेक द फिजिक्स इजी फॉर यू थैंक यू स्टेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर